हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से एक गुड न्यूज आप सभी के लिए निकल के सामने आ गई है। अपडेट यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय अब उन सीट्स को फिल कर रहा है जिन सीट्स में CSAS 1, CSAS 2, CSAS 3 में एडमिशन नहीं हुए थे, जो सीट्स वीकेंड रह गई थी। फाइनली दिल्ली विश्वविद्यालय ने आज स्पोर्ट राउंड 3 का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया, यानी स्पोर्ट राउंड 1, स्पोर्ट राउंड 2 पहले ही हो चुके हैं और इनमें भी काफ़ी सीटें वीकेंड रही, काफ़ी सीटें खाली रही। तो ये मौका उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी जिनको अभी तक एडमिशन नहीं मिला है। तो जो नोटिस है, जो शेड्यूल जारी कर दिया गया है स्पोर्ट राउंड एडमिशन 3 का, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन फॉर द अकेडमिक सेशन 2024-25 इज द बीइंग नोटिफाइड दैट द फॉलोइंग टाइम स्पोर्ट राउंड 2nd हैज बीन एक्सटेंड अप्रूव बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, तो एक्सटेंड कर दिया गया 8 अगस्त तक। ठीक है, तो जो स्पोर्ट राउंड 3 है उसके लिए जो डैशबोर्ड पे जो सीट डिक्लेरेशन है वो आपको कल 5 बजे, 9 अगस्त है कल आपको 5 बजे तक आपको डिटेल आ जाएगी कि कितनी सीट्स खाली है। उसके बाद कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे कल 5 बजे के बाद ही अप्लाई कर पाएंगे, 10 अगस्त तक रात 12 बजे तक उनके पास मौका रहेगा। और डिक्लेरेशन ऑफ ऑलोकेशन इन स्पोर्ट एडमिशन राउंड 3 इसका रिजल्ट आएगा वो 5 बजे निकाला जाएगा 12 अगस्त को। और कैंडिडेट जो एक्सेप्ट करेगा एलोकेटेड सीट, जो सीट उसको अलॉट होगी वो 12 अगस्त शाम 5 बजे से लेके 13 अगस्त रात 12 बजे तक उसे एक्सेप्ट करेगा। कॉलेज डिपार्टमेंट इसको वेरीफाई कर लेंगे 12 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में। और लास्ट डेट जो पेमेंट की रहेगी वो 15 अगस्त शाम 5 बजे की रहेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि स्पॉट राउंड जो है वो कम्प्लीट होने के बाद सेकेंड राउंड, अब थर्ड राउंड की अनाउंसमेंट हो चुकी है जो कि स्पोर्ट राउंड होता है। स्पोर्ट राउंड सिंपल सा राउंड है। देखिए क्या लिखा है, कैंडिडेट हु वेयर अलॉकेट सीट इन स्पोर्ट राउंड 1, 2 विल नॉट एबल टू पार्टिसिपेट। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड में पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जिनको अभी तक सीट नहीं मिली वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कल से इसकी जो चीज़ें हैं वो शुरू हो जाएगी। तो फाइनली जो नोटिस है निकाल दिया गया है, स्पोर्ट राउंड 3 की अनाउंसमेंट कर दी गई है DU की तरफ से। थैंक यू।